हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का चाची भतीजी पाकशाला में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकौड़े। वैसे भी यहाँ पे मैं पापा के घर पे आई हुई थी, तो यहाँ पे चाची लोग भी आए हुए हैं। बच्चों का समर वैकेशन है, तो वैसे भी शाम हो चुकी, तो चाची ने कहा कि चलो बढ़िया सा कोई टी टाइम स्नैक्स बनाते हैं। झटपट से बनने वाला हम लोगों ने ये आलू के पकौड़े बनाए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू के पकोड़े बनाने के लिए चार बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया, उसे छील लिया है। और अब हमने यहाँ पे बोल में पानी ले लिया है, और अब हम पानी में से स्लाइस कर लेंगे। पानी में स्लाइस करने से क्या होगा, एक तो हमारा आलू जो है वो काला नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो पकौड़े का घोल बनाने तक इसमें भीगे रहने के कारण जो है हमारा आलू जो है वो टाइट हो जाता है, जिससे कि हमारा पकौड़े जो एकदम फ्लैट एकदम बढ़िया बनता है। और अगर आप चाहे तो इस तरीके से इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, जैसे चाची यहाँ पे आलू को कट कर रही है। लेकिन स्लाइसर के कंपेयर में चाकू से कट करने से आलू जो है थोड़ा सा मोटा हो सकता है। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई इस तरीके से है। तो हमने क्या किया है कि आधे आलू को स्लाइसर से स्लाइस कर लिया है, आधे आलू को इस तरीके से चाकू से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे पानी में इसी तरीके से भीगा रहने देंगे। तो इस वाले आलू को हमने चाकू से कट कर लिया, इस वाले आलू को स्लाइसर से। तो अब हम इसे इस तरीके से पानी में डूबा रहने देंगे, और तब तक हम अपना बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। और अब हमने ये बोल ले लिया है, और यहाँ पे एक ग्लास ले लिया मेजरमेंट के लिए। अब हम इसमें बेसन को डालेंगे, और यहाँ पे हमने छन्नी ले लिया है। और ये वाला जो तरीका भी एकदम काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो हमने भी ये तरीका ट्राई किया, और सच में ये बहुत ही काम आया। बिल्कुल भी इसमें जो बेसन है बाहर गिर के बिल्कुल भी नहीं गिरा। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल हमने 2 ग्लास बेसन जो है इसमें छान लिया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे हमने करीब 1 चम्मच नमक डाला है, और यहाँ पे हम 2/3 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून अजवाइन ले लिया है, और हम इसे इस तरीके से हाथों से रब कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, जिससे उसमें अजवाइन का जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और हम इसमें हरा धनिया जो बारीक कट करके हमने रख लिया था पहले से, इसे डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो हरे धनिये के प्लेस में आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो पानी जो है वो हम एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालने से हो सकता है कि इसमें गुठलियाँ बन जाए, और वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पर जो है घोल को एकदम बढ़िया सा तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया हमारा बैटर जो बन के तैयार है। और अब हम इसमें लास्ट में 1 चुटकी जो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ले लिया, इसे डाल देंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बैटर एकदम तैयार है, बेसन का घोल। और अब हम इसमें एक एक करके आलू के स्लाइस को बेसन के घोल में इस तरीके से डीप करेंगे, और इसे इस तरीके से निकालेंगे, और एक एक करके यहाँ पे हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे अभी गैस का फ्लेम जो है मीडियम में है। और वैसे भी ये चाची का आइडिया था कि चलो आज शाम को बनाते हैं आलू के पकौड़े, और ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो इस तरीके से हमने एक एक करके पूरे पकौड़े को तैयार किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये एकदम पूरी की तरह एकदम फूल के तैयार हुआ है। तो बेकिंग सोडा डालने से क्या है, ये अच्छे से फूला भी और एकदम क्रिस्पी भी बना है। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 से 4 मिनट लगे इसे क्रिस्पी होने तक। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे न्यूज़पेपर पहले से हमने बिछा के रख लिया था, जिससे कि ऑयल जो है अब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पे एक पीस जो है चाची ने मुझे खा के बताने के लिए बोला कि कैसे बनाओ। सच में ये बहुत ही क्रिस्पी बना और बहुत ही यम्मी। और अब हम सेम प्रोसेस से इसी तरीके से बाकी पकोड़े को भी तैयार करेंगे। एक एक करके हमने आलू के पकोड़े को बेसन में डीप कर लिया है, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए एकदम बढ़िया कलर आने देने तक हम इसे पूरे पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया जो है फूल के तैयार हुआ पकोड़े जो है। और इसके साउंड से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, और सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और जब तक पकोड़े बन रहा था हमने एक तरफ चाय बनने के लिए भी रख दिया था, जिससे कि हम चाय और पकौड़े को साथ में सर्व कर सके। तो यहाँ पे हमारा पकौड़े और जो चाय है बिल्कुल बनके तैयार है। और यहाँ पे जो है चाची ने पकौड़े जो समझ को भी खाने के लिए दिया, और सच में उसे भी बहुत ही पसंद आया, वो भी 4 से 5 पकौड़े तो ऐसे ही उसने खा लिया। और यहाँ पे भी हमने आलू के पकौड़े को बहुत ही एंजॉय किया। तो आप भी झटपट से बनने वाले इस आलू के पकौड़े की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपकी रेसिपी कैसे बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।